हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। रुई लोपेज ओपनिंग के ट्रैप्स के बारे में वीडियो चल रहे हैं अभी। तो इससे पहले दो वीडियो में बना चुका हूँ रुई लोपेज में। टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ 56 ट्रैप्स। तो यहाँ तक हमने अगले दो वीडियो में टोटल 11 ट्रैप्स दिखा दिया है मैंने रुई लोपेज में, ब्लैक और वाइट दोनों की ओर से। दोस्तों और भी हमें 40 जितने ट्रैप्स बाकी है, 44। तो यहाँ शुरू करते हैं रुई लोपेज ओपनिंग ट्रैप्स। दोस्तों सारे वीडियो रुई लोपेज के आप देख लेंगे तो आई एम श्योर कि ब्लैक और वाइट दोनों की ओर से आप बेहतरीन खेल सकोगे। E4 E5 वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है और इसे प्रिपरेशन करने के लिए ये मेरे सारी ट्रैप्स 56 ट्रैप्स है, सभी ट्रैप्स आप देख लीजिए बोर्ड के ऊपर, बुक में नोट डाउन करिए। आप ब्लैक से खेलना चाहते हैं तो ब्लैक के जितने भी ट्रैप्स हैं वो तैयार कीजिए, अगर आप व्हाइट से खेलना चाहते हैं तो व्हाइट की बुक बना लीजिए। बहुत मजा आएगा पूरी तैयारी के साथ जब आप गेम खेलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले फोर्क के बारे में रुई लोपेज ओपनिंग। E4 E5 नाइट F3 Nc6 बिशप D5 नाइट F6 वेरिएशन में बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे व्हाइट करता है कैसल नाइट इंटू E4 और यहाँ पे D4 e takes D4। ये थोड़ी गलत मूव होती है लेकिन RE1 के बाद ब्लैक के पास दो चॉइस होती है, F5 और D5। दोनों में क्या होता है पहले देखेंगे। F5 में यहाँ आपको करना है नाइट takes D4। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप C5 Bc5। अब देखो यहाँ पे थ्रेट भी है नेक्स्ट मूव में F3 की, तो यहाँ ब्लैक रिप्लाई देगा Bc4। तो यहाँ तुरंत वाइट टू प्लेन विन। आपको माइनर पीस दो मिल रहे रुक सेक्रीफाइस करने के बाद। रुक टेक्स E5 पॉन टेक्स E4 क्वीन H5 चेक G6 देन क्वीन इनटू C5। तो दोस्तों यहाँ पे गेम इक्वल है, मतलब मटेरियल इक्वल है, पर एक्सचेंज फॉर टू माइनर पीसेस। व्हाइट के पास दो माइनर पीसेस है और ओपनिंग का जो व्हाइट का डेवलपमेंट में है वो भी फायदे में रहता है। तो यहाँ पे व्हाइट के जीतने के चांसेस आप साइड में देख सकते हो कि व्हाइट की जो ग्राफ है 2.21 प्लस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली व्हाइट जीत जाएगा। दूसरी ट्रैप दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ही मूव चेंज करते हैं हम दोस्तों। इंस्टेड ऑफ F5 व्हाइट, अगर ब्लैक खेलता है D5 खेलता है तो यहाँ आपको क्वीन टेक्स D4 करना है A6। अब देखो बिशप टेक्स नाइट 4 से, तो बिशप इंटू नाइट C इंटू उसके बाद नाइट G5। ब्लैक ट्राई करेगा क्वीन F6 एक्सचेंज ऑफर लेकिन ये ज्यादा काम नहीं करेगी। नाइट इंटू E4 ये एक सरप्राइज मूव है, बहुत ही जबरदस्त सेक्रीफाइस है। आप अपनी क्वीन को D4 स्क्वायर पे सेक्रीफाइस करते हो। तो क्वीन टेक्स D4 के बाद मेट इन टू, आप वीडियो पॉज करके यही पोजीशन ट्राई कीजिए। नाइट F6 डबल चेक, किंग D8 ओनली मूव एंड रुक टू D8 चेक। तो दोनों व्हाइट की ओर से ट्रैप थी। आगे देखते हैं। ओके यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। E4 E5 एंड F3 और ये यहाँ पे पहले RE1 नॉट D4 F5 के बाद यहाँ पे D4 के बदले आप D3 करके भी खेल सकते हैं। D3 में ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट D6 काउंटर अटैक ऑन बिशप, तो बिशप टेक्स C6 D takes C6 और रुक टेक्स पॉन चेक। अब देखो सभी मूव में ब्लैक लॉस हो रहा है, तो चेक में सबसे पहले देखते हैं अगर ब्लैक प्लेस बिशप E7 तो यहाँ पे सिंपल बिशप G5 और आपको पीस मिल जाता है और अटैक भी कंटिन्यूस है। अगर किंग D7 ब्लैक किंग D7 जाता है तो यहाँ पे भी आपको बिशप G5 बहुत ही जबरदस्त मूव है। क्वीन के पास कोई भी जगह नहीं है तो फोर्सफुली बिशप इंटरपोज होगा और रुक टेक्स बिशप यहाँ भी विनिंग है। ओके किंग F7 किंग F7 में भी व्हाइट क्लियरली विन है आफ्टर बिशप G5। क्वीन के पास ओनली होप है क्वीन D7 बट रुक सेक्रीफाइस नाइट आफ्टर बिशप टेक्स रुक नाइट E5 फॉर्किंग द क्वीन एंड किंग। तो ये गेम बहुत ही जबरदस्त होगा व्हाइट की ओर से। चलिए यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक बढ़िया ट्रैप।
e4, e5, nf3, bb5, castle, knight takes e4, re1. यहाँ पे d3, d4 के बदले डायरेक्ट नाइट d6, पहले से ब्लैक नाइट d6 भी सब पे अटैक करता है, तो नाइट c3 रिप्लाई में देना है. नाइट इंटू b5, अब यहाँ मैं आपको बहुत सरप्राइज करूंगा, नाइट इंटू e5 आफ्टर नाइट c3, अब मजा आएगा दोस्तों. नाइट c6 डिस्कवर चेक, ब्लैक बिशप इंटरपोज करता है. अगर क्वीन इंटरपोज करता है तो सिंपल रुक टेक्स क्वीन चेक के साथ मरता है और आप अपनी क्वीन भी पॉन टेक्स नाइट से बचा लोगे. लेकिन अगर बिशप इंटरपोज करता है तो मैं एक और मूव बताऊंगा, नाइट इंटू e7, क्वीन सैक्रिफाइस आफ्टर नाइट टेक्स क्वीन, नाइट g6 चेक डिस्कवर्ड, फोर्स क्वीन इंटरपोज और नाइट इंटू क्वीन, और उसके बाद ये नाइट भी ट्रैप है. तो ये कंप्लीटली व्हाइट के फेवर में गेम हो जाएगी. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, e4 e5 और bc5 लाइन, d3 nf6 बिशप इंटू c6 डी इंटू c6. अगर वाइट ने यहाँ पे कैसलिंग के बजाय नाइट इंटू e5 किया तो तुरंत ट्रैप में आ गया, क्योंकि आफ्टर क्वीन d4 विथ डबल अटैक आपको यहाँ पे नाइट भी मिल रहा है और मेट भी हो रही है, तो कैसलिंग का रिप्लाई होगा, उसके बाद आपको सिंपल पीस मिल जाता है. चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं, bc5 में c3 एक दूसरा ऑप्शन जो है c3. व्हाइट यहाँ c3 करके गुइको पियानो के स्टाइल में खेल सकता है दोस्तों. तो c3 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट f6, यहाँ आपको खेलना है d4, पॉन टेक्स के बदले आपको कैसल करना है, और उसके बाद d5 ब्लैक ट्राई करेगा क्वीन और बिशप को ओपन करने के लिए, और यहाँ आपको सिंपल पॉन टेक्स पॉन करना है, नाइट टेक्स पॉन, उसके बाद क्वीन a4. अब यहाँ फोर्स अटैक है नाइट पे, बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप, और उसके बाद क्वीन चेक, और विद डबल अटैक नाइट, रूक, बहुत सारा जबरदस्त अटैक है. तो इसको बचाने का एक ही ऑप्शन है, बिशप d7, और आफ्टर क्वीन c4 सिंपल व्हाइट को अगेन एक पीस मिल रहा है. तो मतलब नाइट और बिशप दोनों पे अटैक है. अगर ब्लैक ने बिशप सेव किया तो आपको नाइट मिलेगा, नाइट b6 में क्वीन इनटू बिशप, तो ये गेम भी व्हाइट की फेवर में हो जाएगी. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने टोटल 6 ट्रैप्स दिखाई है आपको. इससे पहले के 2 वीडियो में आपको 11 ट्रैप्स टोटल हो गए, 17 ट्रैप्स, तो और भी 40 ट्रैप्स बाकी है. मतलब समझ लो कि इतने सारे ट्रैप्स देखने के बाद आप इस ओपनिंग में कितने पावरफुल प्लेयर हो जाओगे. तो सारे ओपनिंग के ट्रैप देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों. हर अल्टरनेट डे में मेरा एक वीडियो अपलोड होता रहता है. जल्द ही मिलेंगे. जय हिंद, जय गुजरात.